आज मैं आंटी कहती थी जो था मेरी सेवा मैं जो मेरी पहली सेवा मिली थी उसकी शुरुआत कर रहा सतसंग जी जब पहली बार मैं शिवरात्रि से सेवा लगा के आई थी वो आप जी ने बता दिया था। अब जो दूसरी आगे की जननी तैयार है सतसंग जी मैं मेरी पहली सेवा जो मैं बड़े मंदिर से शिवरात्रि सेवा का क्या थी मेरे यार तो बड़े खुश हुए थे जो गुरु भाई मुझे ले जाते थे मुझे सेवा पर ले जाते थे तो मैं उनको बताया मैंने सेवा थी सेवा का क्या ही कहने मलोता अंकल ये तो सेवा तो बगैर ब्याज दे या विस्तार दे मिलती नहीं तेन क्या मिल गई मैंने बाबा जी की गुरु जी की कृपा की मिल गई बड़ा खुश है कहने फरीदाबाद भी सत्संग हो दिन में अच्छा फरीदाबाद होते कहाँ पे होते मुझे बता दिया कदों मैं आप जाऊँगा। मैं सत्संग जी उधर बड़े बंदा शिवरात्रि के बाद भी विवाह को गया था तो मैं गुरु जी को बोल के आया था मैं गुरु जी मैं हूँ अज के बाद ना थोड़े को सत्संग से नहीं आया करांगा नाराज जी नहीं वैसे मैं अज के बाद थोड़े इतने दरबार च आवांगा नहीं आवांगा तो जो आप जी मेरे को सेवा लोगे जो एवं थोड़ी दो रोटियां मैं नहीं खानियां ये कह के गुरु जी ने आ गया। अच्छा इतवार की शुक्रवार की गलती पे गुरु भावों मैं आके दसिया थे फिर मैंने सेवा मिल गई किसी पता नहीं सत्संग आया क्या सेवा हैगी मलोता पांच नंबर सत्संग है सेवा नहीं होना दसी क्या पांच नंबर सत्संग मैं कहाँ पे मुझे बताओ मैं वहाँ पे सेवा पे उन्होंने बताया पांच नंबर मैं क्योंकि इलाका तो मैं सब जानता है क्योंकि 30-35 साल हो गए फरीदाबाद में मैं वहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे पहुँचा देखा था अभी 7 बजे सत्संग होना था मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले पहुंच गया साइकिल बड़े पास खड़ा की उसमें साइकिल से जाता था सत्संग जी। अच्छा जी मैं वहां पे पहुंचा और अंदर में जानने वाले थे क्योंकि फरीदाबाद के ही थे हमारे पंप 5 नंबर के 3 नंबर के फिर कहता हूँ मतलब कैसे बस मैं क्या मैंने कुछ सेवा दो कहते सेवा तो हम खुद ही मांग रहे हैं सेवा तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलती। अच्छा अचानक 5-7 मिनट बाद मैं खड़ा रह गया मैं कभी सेवा नहीं मिलेगी तो मैं ऐसे काम में रोटी लगा कोई शायद खावांगा नहीं मैं ऐसे ही सोच ही रहा था वेलकम चालू हो गया मैंने मतलब खड़े हो गए सारे मुझे पहला बार वेलकम देखा था मैंने वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे तो बड़े मुद्दे जाते थे पहला बार सत्संग था मेरा पहले तो वेलकम मुझे मैं बहन के घर सत्संग देखा था मैं वेलकम नहीं देखा था बीच में गया था मैं समझ लो आपको बताया था 7 बजे सत्संग था 7:30 पहुँचा था वो 2:30 बजे थोड़ा अच्छा लगा अपना खड़े हो गए साथ ताड़ी बजाड़ लग गए मैं भी ताड़ी बजाड़ लग गया। अच्छा फिर एक ओमका था जा मत्था छत्ता टेक किया फिर बैठ के अच्छा फिर चाय प्रशादा आ गई 10 मिनट बाद चाय प्रशादा पी के मैं 10 मिनट में कहा ये तो हूँ सत्संग चालू हो गया है क्योंकि शब्द की बाणी चालू होगी मैं हाथ जोड़ के गुरु जी ने कहने लगे मैं गुरु जी तुम मेरे को सेवा लोगे नहीं हूँ मैं जा रहा क्योंकि तुम कहोगे बैठ के लंगर खा मैं लंगर मैं नहीं खावगा मेरे को अगर सेवा लोगे तो मैं बैठांगा नहीं तो एवं दो फुलके मैं नहीं खावगा मैं हाथ जो उस टाइम सत्संग जी 100 संगत आ गई थी उस टाइम समझ लो बहुत तब समझ लो पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत भीड़ लग के आ गई थी मैं जब जाने लगा तो जब तक संगत आ गई थी मैं जब जाने लगा मैं गुरु जी सेवा नहीं दोगे मैं तो कहा जा रहा मैं जो जाने लगा सत्संग जी बैक पोर्शन का मकान था अचानक मैं बाहर निकला था तो मेरी पैर लात चप्पलों से लग गई ओहो मैं चप्पलों से चिड़िया करके सैट ओहो मन च ख्याल आया सैट से खड़ा होकर तू सेवा मांग रहा सेवा तो मिल गई ये भी तो मैं 2 मिनट सामने होके खड़ा होके देखता रहा मैं वाहिगुरु ये भी तो सेवा ही होंगी है ओहो मैं बिट्टू जी सेवा मिल गई आ सतनाम शिवाय गुस्से से अपना हाथ रखा रुमाल तो बंदा सीधे हाथ रखा मैं जय गुरु जी मैंने अपना चप्पल उठाइया सैड से लगाने लग गया वो भी संगत आने लग गई राम सैड लगा चलते जाइए मैं अपना जोड़ रखा वो अपनी संगत आने लगी मेरा बड़ा मन खुश हो गया मैं कहता बाबा जी ने सेवा दे दी जोड़िया नहीं चलो वैसे गुरुद्वारा में कहते देखते रहते थे ज्यादा उस पर मेरा मन अब लगाया 15-20 मिनट बाद फिर 15-20 मिनट सेवा की होगी सत्संग जी अंदर से एक समोसा प्रशादा और एक चाय प्रशादा सेवा दा रहा है अंकल ये आपके लिए भी मेरे लिए मेरे बड़ा खुश हो गया अंदर मैंने उसकी क्या कहता नहीं अंकल ये सेवादारों के लिए समोसा और चाय प्रशादा वो मन बड़ा खुश हो गया लाओ जी मैंने समोसा खाया और चाहे बड़ा आंखों में आंसू आ गए बड़ा खुश था बहुत रोड के ऊपर मैं नहीं घबरा रहा था मैं रो रहा था बहुत अच्छा लगा मैं शाबाश मन खुश हो गया अंत से बाबा जी ने प्रसाद भी भेजा
मैं बड़ा खुश होया, मैं खुश होया सतसंग जी आप सेवा करने लग गया। मैं कह जी सेवा बड़ी पैक मजा आ गया। जो सत्संग खत्म हो गया संगत आने लगी, संगत आने लगी, संगत आने लगी। एक आंटी आई कहती आंटी आप जा जो अंकल आप ही जा जाइए। तो उन्होंने जोड़े पहने, अंकल परसों मारेगा सत्संग ऐसा है। मैं कहाँ पे कहाँ पे? कहती सेक्टर 16 में। मैं कहा मैं आऊंगा आऊंगा मकान पे। उन्होंने मकान नंबर बताया। मैं कहा मैं पहुंच जाऊंगा। कहते अंकल 7 से 9 है सत्संग आपने। मैं कहा पहुंच जाऊंगा। अच्छा बड़ा मन खुश हो गया, इतने नंबर पे सत्संग मिल गया। अच्छा वो आंटी पूछा भी था हाँ आपका नाम क्या है। अचानक एक अंकल आ गया, अंकल मल्होत्रा अंकल आप लंगर खा लो, क्योंकि वहां जानते थे वो सेक्टर की आंटी आई हुई थी। कहते आप मल्होत्रा अंकल? मैं कहा जी मुझे मल्होत्रा। कहता अच्छा अच्छा मल्होत्रा अंकल आपने आ जाना ठीक है अंकल, मकान बताया चले गए। जो गया फिर लंगर था लास्ट में खाऊंगा मैं, सब सब सारी संगत चल जाएगी। जब सारी संगत चलेगी मैंने लंगर प्रसादा खाया, बड़ा खुश होकर रात को आया, बड़ा खुश हो गया। मैं कहा आज तो बाबा जी ने उधर सर्टिफिकेट दे दिया बड़े मंदिर पे, बाबा जी ने इधर सेवा भी, चलो शुरुआत हो गई। चलो वहां पे अपना सत्संग पे वहां पे दूसरे 2 दिन बाद वहां उनके घर पे पहुंच गया। वहां पहुंचा मैं अपने पहले आधा घंटा पहले पहुंच गया। अंदर से रंगोली आंटी सजा रही है, कोई है। मैंने फटाफट बाहर का झाड़ू हल्का सा लगाया, फटाफट चप्पलें उठाई, अपनी बात सेटिंग करने लग गया। यहाँ पे कोई संगत बैठ गई, बैठ गई अंदर, दिमाग आइडिया पूरा सेटिंग बन गई लगाया। वहां पे अपना सत्संग करने लग गया। अच्छा वहां पे सत्संग खत्म हुआ, सत्संग जी एक अंकल आया, अंकल फलाई साहब को मेरे घर जी सत्संग है आप सेवा लगा ली। मैं हाँ जी जी सत्य जी लगाऊंगा लुकाऊंगा। फिर सत्संग जी ऐसे महाराज जी की मेरे पे कृपा होने लगी, कभी कौ कभी कहाँ के सत्संग आने लगे। थोड़ा सा मन में एक डर भी था, डर किस बात का था, क्योंकि सत्संग मिलते थे कभी नहर पार, मतलब यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर, कभी 22 सेक्टर ऐसे ऐसे दूर दूर में थे। अच्छा मैं डरता था, मेरी साइकिल के टायर टूट पुराने थे। अच्छा मैं 15-20 सत्संग कराया। एक बार मैं बाबा जी को बोला, उसी दिन की बात थी, मैं गुरु जी को बोलता, मैं गुरु जी तो मेरी तुसी ना एक गल है मैं सत्संग सेवा का क्या आता था, नहा धो के छत पे चढ़ के ऊपर बैठ जाता था, मैं छत पे बैठते कोठे थे, आपको कल भी बताया था सत्संग बाबा सुना था दुबई वाला। मैं वही छत पे चला जाता वहां पे, क्योंकि हवा भी ठंडी ठंडी चल रही होती है, ऊपर से गुरु जी से देख के पाते कर लेता था। मैं कहा गुरु जी बाबा जी तुम सत्संग तो बड़े दूर से देते हो, कोशिश करया करो मैनू सत्संग कोल दे दिया करो। सत्संग कोल से ये होता है, अब बाबा जी मेरी ना टायर ट्यूब खत्म है, जब पुराने टायर ट्यूब ना वो फिर जो राती पिंचर हो जाए, राती डर जा लगता है। अच्छा ये उस टाइम उसी दिन को बोला था, मैं अपने रिश्तेदार की गली में से वही फरीदाबाद पानी में से निकल रहा था। अचानक मेरी माँ के लड़का बाहर बैठा हुआ था। मैं ऐसे जैसे हम तो इज्जत करेंगे क्योंकि बड़े हैं, मासी की लड़कियां बड़े हैं, तो मैं वहां से निकल रहा था, मेरे मासी के लड़का बाहर बैठा हुआ था। मैंने मत्था टेका, मैं कबीर जी मत्था टेकना चाहता हूँ, जिंदा रहा जिंदा हो क्या हाल है बिट्टू, अच्छा तू नजर नहीं आना। मैं कहा बस जी हूँ कृपा है, बस हूँ मैं बाबा जी का सत्संग से जाना चाहता। बाबा जी मैं गुरु जी का सत्संग, कई बाबा जी नहीं समझ पाते। मैं कहा मैं गुरु जी के सत्संग पे जाता हूँ, वहां जाता हूँ रात को 10-11 बजे से घर आता हूँ, काम पे होता हूँ। अच्छा चंदा चलो बहुत अच्छा बहुत शाबाश, चलो अच्छे पासे लग गया पे बस वो आज तक सत्संग। फिर पता नहीं की गल, अपनी वाइफ को आवाज दी थी आंटी को, चाय पिलवाई मैं कहूँगा चाय भी पिला। वैसे तो सत्संग जी कहना नहीं चाहिए, चलो शुक्र है। मैं कह आज तक चाय शाह पिलाई अपना, मैंने जो जान लगे ना कहते बिट्टू अपनी साइकिल छोड़ जा मेरे को। मैं कह साइकिल छोड़ दो? मैं कह क्यों? अच्छा कहते मैं ना वो कणक रख के आटा पिसवा के लेना है। तो मानी चाह है कि साइकिल क्यों मंगता पाया मेरी, कल ले जाई ना तू साइकिल छोड़ जा। शाम का टाइम था सत्संग जी, मैं कल 7:30-8 बजे 7:30 बजे की गल लगती। मैं चल साइकिल छोड़ के मैं उसके घर में मासी का लड़का, ओनली 3.5-4 किलोमीटर का अंतर है मेरे घर से। मैं साइकिल उनके घर छोड़ के पैदल वॉक करते करते घूमते घूमते आ गया। मैं ज्यादा वॉकिंग में बड़ा पसंद, साइकिल छोड़ के आ गया। आंटी ने पूछा साइकिल? मैं क्या साइकिल वीर से बोले हमें काम में आटा पिसवाने जाना कुछ चक्की दे। चलो मुझे क्या पता गुरु जी ने पहला दूसरी पीढ़ी चालू हो रही है कैसे करिश्मा कर। मैं सत्संग जी दूसरे दिन और अपना सवेरे अपना काम से निकले और
हेलो, आवाज आ रही है अंकल? हाँ जी, आ जी, हाँ आ जी। वो थोड़ा हाँ मोबाइल से। हाँ जी, अच्छा मैं, अच्छा निकल गया। फिर वो मैं जब उधर 5 बजे तक मैं फेरी लगा के अपना, मैं गैस चूल्हे काम साथ सके जी, आपको मालूम ही है मैं काम करता था। फिर मैं अपना 5 बजे रेडी बंद करके मैं उनके यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा देखा, चल मैं जाऊँ, साइकिल भी ले रही है। वो आज सत्संग बड़ी दूर का मिला है, 22 सेक्टर का, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं कहा चल फटाफट पहुंचो। मैं उनके घर 5 साढ़े 5 बजे उनको पहुंच गया, क्योंकि 7 बजे सत्संग था। 5:30 6 बजे पहुंचा होगा, साइकिल पे मैं थक जाऊँ। जो मैं उनके घर पे गया था वो ऊपर रहते थे, नीचे गया देखा साइकिल तो मेरी खड़ी, मगर टायर ट्यूब नए डले हुए, दोनों साइकिलों के टायर ट्यूब डले पड़े। मैं हैरान हो गया, मेरे साइकिल तो मेरी है मगर दोनों नए टायर ट्यूब, गद्दी पड़ी हुई, बड़ी बरीका। मैं पहले नीचे दे पड़ी, दंग रह गया। फिर मैं उतने वीर को गया, अपने भाग मैं वीर जी कहते हैं हमारे भाई को, मैं वीर जी को गया उतने। मैं कह वीर जी मत्था टेकना, आ बिट्टू आ जा बेटा आ जा, चाह पानी पे। मैं कुछ नहीं को नहीं पा। मैं कहा पापा जी ये साइकिल, हाँ, तेरी साइकिल बड़ी खराब थी, मैं टायर ट्यूब डलवाते। मैं कहा टायर ट्यूब डलवाते क्यों डलवाते? वो कहा कितने पैसे लगते? नहीं नहीं तू पैसे छोड़। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं लूंगा भाई। मैं कलेश शुरू हो गया थोड़ा। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं। ओ ऐसे कहते कहते फिर उन्होंने गल चुके 800 रुपये। मैं कोई गल नहीं, नहीं कोई गल नहीं। मैं कहना दे थोड़ा चूल्हे ठीक कर देंगे, कुकर ठीक कर देंगे, जेडे पैसे दे दे कर देंगे, मैं दे जाऊंगा। मैं सत्संग जी मेरे को 300 रुपये पैसे दे दिए थे, बाद में दे दिए थे, और एक चूल्हा बुला ठीक कर दिया था, खत्म खत्म तक थे। मैं हैरान हो गया, देखा आज तक तो इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया, क्या है कुछ ले लें, देखिए आज तो इन्हें 800 रुपये साइकिल से लाते। ये तो शहशाह करवाता है ना, ये तो हम समझ जाते हैं वो होता है, अगर कर होता है वो शहशाह। अच्छा मैं कपड़ा खुश हो गया, मैंने साइकिल चलाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाह अब बोलो गुरु जी कहाँ जाना, कहीं दो बजे बोलो क्योंकि। अच्छा फिर बड़ा अच्छा लगा, वो साइकिल चलाया बड़ा खुश होता। मैं बाबा जी हूं तुम चिंता ना करो, हूं तुम दसो मैंने कहड़ी जगह जाना है। अच्छा बाबा जी कहते चला जाए 22 सेक्टर। अच्छा भाई पैसे तो आ गया, तो फोन में बता देते, मैं नंबर लिख लेता फटाफट। मेरे पास दूसरा छोटा सा फोन था जो मैसेज आ जाते थे। अच्छा फटाफट वहां पहुंचा, वहां पे फटाफट साइकिल साइड पर खड़ी की, थोड़ा तक साइकिल लग गया वहां पे। सत्संग जी सत्संग तो हो गया वहां पे, संगत तो सत्संग का सत्संग था, अंदाजा लीक आउट हो गया। लीक आउट होता मतलब कहने के बाद 200 250 संगत पहुंच गई। मैं नीचे था, मैं अपना मत था, वो सत्संग था ऊपर। अच्छा इस बात को दिक्कत होगी, मैं कहा चल भाई। और मुझे कुछ डाउट था, कुछ संगत वहां पर आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है कुछ बात, चलो मैं सत्संग खत्म हुआ अंकल आ जाओ आप लंगर के। उस टाइम सत्संग जी मैं सवेरे फेरी फटाफट लगा लेता था, क्योंकि शाम को सत्संग जाना होता था, बड़ा उत्साह होता था मेरे अंदर। मैं कहा सेवा उतना ही लंगर खा लाँगा, हूँ की जाऊँगा 1 घंटा खा तो बाद होगा, हूँ तक लंगर शंगर कहीं नहीं। सुबह का भूखा भी था सत्संग जी, मैंने 2 चाय सवेरे 1-2 रेडी पे चाय पी ली, 1-2 चाय वहां पे उनके यहाँ पी के, रात को अब लंगर। अच्छा सर लंगर खत्म हो गया था संगत जी, लंगर खत्म क्या था, संगत आ गई बहुत ज्यादा। वो एक करछी चल, एक आधी करछी कड़ी बस हल्के, अंकल आप बैठो क्योंकि आलू रखती हैं, हम भी 5 6 सेवा दादा हैं, हम मिलके सारे ऐसे खाएंगे, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा। 200 संगत का था, 200 आ गई था, तो लिकट हो गया था। चलो फिर भी महाराज जी ने सबदा निपटा दिया। अच्छा देखा अरे 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं, देखा फिर मैं जाऊंगा, फिर वो जाना भी समझ लो 15 किलोमीटर मेरे घर से। मेरे कहा भाऊ जी रास्ता टाइम भी हैगा, क्योंकि माहौल भी है जमता रास्ते च। मैं कहा चल कोई गल नहीं, मैं कहा छोड़ खाली कुछ देख लाँ। अच्छा मैं मत्था टेक के बस वही पानी पीता, जल प्रसाद की बोतल लेती, एक चार पपीता पीता, मत्था टेक के मैं खाद आ रहा। मैंने लगी जा भूख, और जो जे पिने से चावल खाते वो तो 2 मिनट तक चला के खत्म हो गए, पता कि वेदर भी भूखा। मैं कोई गल नहीं बाबा जी जमें थोड़ी इच्छा, अब चुपचाप आ गया। मैंने कोई वो है ही नहीं था, बस मुझे खुशी थी सेवा कराया, बस मन बहुत उत्साह था। अच्छा मैं अपना चुपचाप आ घर आया, मेरी आंटा तो होती है, खुद ये भी पता सेवा जानते रहती, बार बार मुझे 1 बजे आते थे अपना कमर, फिर वो भी अपने पिता सोचा। मैं घर आया देखा मुस्कान जी मुस्कान बहुत सोए हुए थे, आंटी सोई हुई थी। मैं दोबारा खोलिया, मैंने दस से बड़ी जोर से भूख लगी। मैं कहा मेरे दस जो होटल से रोटी खा लवा, 40 50 रुपये, 40 30 40 रुपये लग जाने थे, वैसे कम का गर्मियों बहुत मंदा ही होता था 3 4 महीने मेरे हूं तक।
सितंबर अक्टूबर से काम चलता है, मौसम ठीक होता है, घूमने का लायक होता है फेरी का। चलो मैं क्या छोड़, घर गया मैं, चल कुछ ना कुछ बची होगी, थोड़ी सब्जी रोटी अगर दोपहर का फुल्का होगा मैं खा लूंगा। अच्छा खा रहा है, आंटी को मैं यहाँ आती ना, मैंने रसोई बार होती है, मैंने अपना फ्रिज खोला, देखा था प्याज टमाटर की थोड़ी सी सब्जी पड़ी। मैं सोई सब्जी पड़ी फिर मैं अंदर रसोई च गया, वो डब्बा खोल के देखा, मैं क्या चले कि दो रोटी कुछ मिल जाए, वो खोल के देखा सास को, ये रोटी भी नहीं है, मैं कदा कोई फुल्का बच ही जाता, कभी कभी खुआता भी देखा रोटी भी नहीं। और मैं क्या कर रहा, आंटी यहाँ हाथ लाना तो एक क्लेश करेगी, वो क्लेश करेगी तो थोड़ा हम लकड़ पड़ेगा, एक मैं सत्संग से नहीं जान देगी। मैं क्या भाव जी, हूँ इतने भुख भी लगी पे बड़ी जोर थी, हूँ मैं तो आंटी हाथ लावा तो मैं कह, मैं बाबा जी ने गुरु जी ने कहना था, मैं बाबा जी तुम आज भुखा मार छोड़िया, आज मैंने भुखा मार छोड़िया। मैं अच्छा ऐसे सोच रहा था भुखा मार छोड़िया ने, हूँ है नहीं, हूँ मेरा दिल करे आंटी को हाथ ला गलांदर बच्चे मार भी पैती है, मार की पैती मतलब अक्ल तो जान नहीं देगी, रोटी तो बना देगी, क्लेश करके गालियां करके तो मुट्ठी बदल कर बिल्कुल जी छोड़ केड़ा मर जाएगा, आज समझ लिया वर्त ही किता छोड़। मैं अभी सत्संग जी हाथ ही नहीं दर्द मारे, क्योंकि मैं सत्संग नहीं छोड़ सकता था। मैंने आंटी को हाथ नहीं लगा के नीचे, सत्संग जी एक डबल बेड है, सतीशन लाए थे एक डबल बेड है, वो आंटी मेरी बेटी और आंटी ऊपर लेटती है, मैं नीचे चटाई डाल के तकिया डाल के सो जाना, दो बार नहाता फिर गर्मी से नहा लेता, तो पानी पीवा पेट से दर्द हो, खाली पेट पानी भी ना पीता जावे। मैं बस जब सोने लगा था ना, मैं बाबा जी कहने लगा, बाबा जी मजा आ जाए आज अगर तुम दो तीन पदार्थ खा लो ना मजा आ जाए, फिर बोला ही कुछ। अच्छा, मैं बाबा जी आज भूखा मार, अच्छा भूख बड़ी जोर से लगती थी, मैंने याद है वो दिन बड़ा एक। अच्छा मैं चुपचाप लेटा लेटा मेरी आंख लग गई, 5-7 मिनट आंख लगी होती, तो गुरु जी कहते तू भुखा है, चल तेरी आज वो गुरु जी सास संग जी, गुरु जी ने मेरी भुख कट के ना आंटी के पेट च पा मतलब अभी। अच्छा मैं नीचे लेटा पे आंटी का पैर लगे, मैं अखा उठा के मैं क्यों की हो पता नहीं, इन्हें लगता पेट च मरोड़ पै गए भुख लगी है, मन च आख मोई भुख तेन नहीं भुख तो मैं लगी पी है, हूँ उन्होंने की आखा सत्संग नहीं मुचा भी उछिया रखनी। अच्छा क्यों देखा रोटी नहीं खाधी है, कहती रोटी तो खाधी, पता नहीं क्यों मन तो कहता है फुलका फुका फुका मोई फड़ा फटाफट बड़ा, कहते नहीं नहीं होगा, मैं नहीं बकवास मत कर चल फुलका बना, कहती नहीं तू चल बकवास कर चल बना, मोई जल्दी जल्दी बना तो मैं खा लो दो सत नाम सेवा एक बार तो भुखा मतलब तो क्या ना कर, मैंने वो बात करने पे जाए बात कर क्या, मैं फटाफट सा बात चुले तो रख सकता कच्चा वो आ गया निकला बना, अच्छा खड़ा हो गया, अच्छा हूँ अंदर तो आवे भुख तो खावा भुख। अच्छा अचानक फिर एक फुलका बनाया उसने रखने लगी, मैं क्या क्या करिए कुदा बना सारा बना अब करके खाना रोक दें, कहते नहीं नहीं मैं कैसे आटा सवेरे खमीरा हो जाएगा बना तू, नहीं नहीं तू बना, मैं कहता ना मैं बना मैं खासा चलता है ना बना तू अंदर दी था जी, मैंने पता है ना मैं भुखा कहीं तुम खाए हो, मैं खाए शाही पनीर चापा ना उन्होंने क्या पता है भुखा है, मैं अच्छा बनाया उसने सत्संग जी आदि मैं तू जा मैं रख दंगा तू जा, वो लोग खा गए थे लेटी, मैं आने दे आने दे फटाफट पा के सत्संग जी शुक्र है बाबा जी खुआते मेरी तो पेट जान आ गई, देखो 1-1.5 बजे पराठे आंटी ना हाथ ला तो कलेश होंगे तो सत्संग भी नहीं जान मिली। महाराज जी ने मेरी कितने कृपा की बहुत बहुत शुक्राना, तो कहना यदि भुख निकल दे। अच्छा फिर दीदी सत्संग जी मेरी थोड़ी तरक्की होगी, जगह जगह नाम होने लगे मलोतन का शू स्टैंड, क्योंकि शू स्टैंड की सेवा हाथ कोई नहीं हाथ लगाता और सब जिन्हों देखो अंदर नसद है, मगर मुझे महाराज जी ने सब कुछ ध्यान दे रखा, मैं इधर ही हूँ तू अपना कल बाहर लगा दे, मैं अंदर मत्थे नहीं टेकता बहुत कम दे, मैं आती भी पी नहीं जाता, तो रात को मत्था टेक के सब गुरु जी के पास था लंगर वही गुरु जी के पास बैठ के खाता था। अच्छा मैं अपना बात रहता एक सत्संग साहब पहले सुभाष बैंकुट हॉल पे, वहाँ पे जो मेरे कोऑर्डिनेटर से मेरी दिल्ली के कोऑर्डिनेटर से मेरी मेल मिलाप हुआ था, मुझे मुझे नहीं मालूम था कोऑर्डिनेटर को कि संगत में आप फोन आ रहा है किस रूप में आ रहा है कौन क्या है, मुझे मेरे तो अपनी सेवा हाँ जंकार करते जाइए आप, वो मंदिर का कोऑर्डिनेटर था, बड़े बड़े संकल्प के आ गया था मैं 2-4 अच्छे अच्छे घरों में, वो भी पहुंचे होते थे सुभाष कथुरिया जी महेश कथुरिया, फिर पता नहीं क्यों सुभाष क्यों नाम आता महेश कथुरिया जी, वो आए
अपना अंदर, मैं उनको भी बोलती शंकर आप चलते जाइए प्लीज आप अंदर बैठिए, पतंग पे आए आप, वो ज्यादा ठंडा पड़ा था, वो नहीं क्यों पता वो मालिक है वो ये कंडेटर है बेटा। अच्छा वो अच्छा लगा, उन्होंने मैंने देखा होती मैं सुभाष बैंकट हॉल पर, मुझे पता लगा सत्संग है बहुत बड़ा था बैंकट हॉल पे, चलो आज तो खूब से वो होगी, आज चारों पास बताएगी चारों, आज जरा मेहनत करनी है, फटाफट वहाँ पहुँच गया, वहाँ देखा टेंट शेंट टेंट लगे थे अंदर, बड़ा सोना बैठा बड़ा अच्छा डेकोरेशन का बहुत मजा है, कोई गल नहीं यार बाबा जी बैठे मेरे नाल मैं काम कर लगा। अच्छा मैं अपना जाके अंदर मत्था टेकिया, उससे जानते ही थे अपनी दवा जाने लगे थे, बोलो अंकल बोलो तो साहब आज आपको सेवा नहीं मिलेगी। मैं क्यों सेवा क्यों नहीं मिलेगी, कहते इतने ना दिल्ली की टीम आ रही है, दिल्ली की टीम आ रही है, अरे फिर मैं कहते नहीं मैं अंदर मत्था टेकिया, मैं तो बाबा जी इतने सुने दिल्ली की टीम आ रही है, मैं तो बाबा जी को कह देता था फिर मैंने तो सेवा मिलेगी नहीं, मैं तो रोटी थोड़ी खाऊंगा नहीं, मैं जा रहा। मैंने अपना मत्था टेके मैं जान लग गया मेज के सूर्या ने, वो जानते थे रुमाल के क्योंकि मैं ही पास आ सकता है, कहने कितने जा रहे हैं, मैं तो जी घर में आया था सेवा करूंगा, यहाँ पे कोई सेवा करते यहाँ पे दिल्ली की टीम आई, मुझे क्या पता एक कोऑर्डिनेटर है, मैं कहता सुना है यहाँ पे दिल्ली की टीम आई है मुझे सेवा करनी थी, क्या मैं घर जा रहा हूँ मत्था टेक सेवा करेंगे, मैं कहा सेवा मिल जाए तो मजा आ जाएगा, कहना बढ़ जाता टेंट में, मैं कह जी मैं उन्होंने मुँह देखा अरे बढ़ जाता हेलो कभी नंबर पे रखो 25 ऐसे लगा ले, शाबाश मिल गया मन खुश हो गया, वो बहुत 10 मिनट बहुत पता लगे ये तो बड़े कोई है, शुक्र है बाबा जी ने सेवा मुझे अपना लगा, फिर तो चाय आए चाय पिया पी थोड़ा मन खुश, चाय पी लो मैं पी लेता हूँ पी पहले आराम कर चलता मत कर कहीं जाती जड़ी संगत, फटाफट चाय पी फटाफट सेवा पे लगा रहा उनके साथ सैलियों पे लगा रहा, बड़ा अच्छा उत्साह हो गया उनसे, फिर मेरा क्या नाम है बेटा जी मेरा नाम जगमोहन मल्होत्रा है, मल्होत्रा अंकल मल्होत्रा अंकल क्या रखे, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया अपने भी लिखा, कहते घंटी आ गई मेरा नाम महेश कसूरिया है, उन्होंने ऐसे करके मुझे 5-6 सत्संगों पर फोन किया, मैं वहाँ जाने लगा, वहाँ क्योंकि बड़ा बड़ी फैक्ट्री का सत्संग हुआ था वहाँ गया, भाई मुझे पहचान हो गई ये कोई बड़े है अफसर है और अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करते थे मुझे, मेरा पहला कोऑर्डिनेटर मेरे महेश कसूरिया थी बहुत मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं दो मेरे कोऑर्डिनेटर थे मुझे मिले थे सुनील मेहंदी अंकल और महेश कसूरिया, बहुत प्यार अपना सेवा कर क्योंकि महेश कसूरिया की सत्ता हो गई है क्या सब कुछ, अब तो सात था क्योंकि अब सर्टिफिकेट तो बाबा जी का था बाकी अब पावर हो ही गया था। अच्छा वहां पे भी सेवा कहता अचानक से महेश कसूरिया अंकल कहते अंकल बात सुन अंदर अलॉटमेंट कर दिया है हमने, जो भी जिन संगत को मैसेज नहीं आते वो नाम लिखा, तू वहाँ पे एक किंदा पड़ा हुआ है पड़ा तो नहीं, कहता है क्या देखा, हाँ कहते मोबाइल नंबर लिख ले और नाम लिख ले, मैं हाँ मैं दूजी क्लास तक पढ़े मैं कर लाँगा हिंदी से नाम लिख लाँगा, कहते ठीक है तू से बैठ जा तो जब तक ये संभाल दे तो जिन्हें ना नहीं आते उसका नाम और फोन नंबर लिख लें बस यही काम कर, मैं ठीक है जी जब तक इसे बैठ जाए, जब तक संगत हुआ था संगत आने लगी 5-6 आंटी आई, मैं आंटी क्या नाम ज्योति ऐसे हिंदी में मैं उनको समझा दूंगा, मैं अपनी भाषा में नाम लिख दिया फोन नंबर लिख दिया। एक अंकल थे जो हर सत्संग पे पहुंच जाते थे, वो हर सत्संग पे पहुंच जाते थे आज सत्संग पे पहुंच जाते थे, वो आए मेरे 6 महीने तो हो ही गए थे सत्संग पे हो गए थे, वो आ गए तो मुझे कह मेरे पास बड़े प्यार से अदब से बात की, मैं कह अंकल जी आपको तो हर जगह पता लग ही जाता है, बड़े खुश होके बोल रहे आप तू अपना काम कर पते कर पे, मतलब बहुत गद्दी बिल्डिंग से बातें की मेरे, उन्होंने सेवा साहब से भी सुना था एकदम मेरे दिल पे चिच लगती। अचानक हमारे एक कोऑर्डिनेटर के फोन चाचा वो आ गए, वो हाथ उठा हाँ क्या हुआ बोले तो कर, हाँ जी क्या हुआ, दे अंकल हमें मैसेज नहीं आते, उन्होंने सब देख लिया हरकत है, वो इसको क्या बोला तुमने अपने काम, फिर इन्होंने क्या बोला अंकल ने, कहते इन्होंने ये बोल रहा है हर जगह आपको तो पता लग ही जाता, हाँ फिर आपने इसको क्या मतलब बहुत गलती बहुत गलत वर्डिंग बोली थी उससे, मुझे दिल पे लग गई तो थोड़ा शर्मिंदा हो के अच्छा अंकल ने नाम उसका लिखा काफी बंद कर दी, बोलो तो अंकल अंदर चलो छोड़ दो कोई नाम नहीं थे चलो, जो गुस्सा लगा था उनको वो कुछ
हमारी टाउन की संगत का था बंदा, नाम नहीं बोलूंगा, टाउन की संगत का बंदा था। बहुत मुझे तिल लग गया, मैं घर आया वही लंगर खाया, मतलब घर आया, घर आके नहा धो के मैं सत्य चुन गया, वहाँ पे जो पाठ किया, मेहमान ने बोल दिया मेरे को, बाबा जी हूँ मैं थोड़ी मैं सेवा नहीं करूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ी सेवा नहीं करूँगा, क्योंकि सेवा भी करो गालियाँ भी खाओ की फायदा, जोड़े सेवा भी कोई हाथ नहीं लाता, और मैं ही करना तो कुछ गालियाँ खाऊ, कुछ दिल से लग गई थी, मन दुखी होकर रात को ऊपर धो के अपने, कल तो आपने नहीं होंगे, हो गया मैं ऐसे दिन उदास करके अपने चुपचाप पाठ रात को करता, गुरु जी से बातें करनी होती थी, वो तो प्यार तो बाप से नहीं छूटता ना, थोड़ा होता पाठ करके, फिर सवेरे काम से मैं जाने लगा, रेडी निकाली, अच्छा रेडी निकाली था संगत जी, मैं आधा किलोमीटर दूर गया हूँ, अच्छा आधा किलोमीटर दूर गया हूँ, वहां पे मैंने देखा खड़ा था रेडी लगा रहा था, एक अंकल आए बुजुर्ग थे, उम्र होगी 55-50 तक, अच्छा आए मुझे कहता, बोलो तो साहब आपको एक्टिवा थी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, मैं बोलो तो साहब आपको ऐसा संगत जी मेरी आवाज़ सुनना बड़ा समझने की बात है ना, बोलो तो जी अंकल आप, हाँ जी हाँ जी हाँ, गड्डी उन्होंने साइड से खड़ी थी, गोल्डन कलर की पुरानी, अच्छा साइकिल और एक्टिवा चो, मैंने दो कुकर और एक साइबर देता, कहते ये ठीक करने लगा जी, मैं अपना खोलिया, मेरी भजन शब्द तो चलता जाता था और रेडी पे शब्द गुरबाणी चलती थी, तो वैसे शौकीन था मैं, बातें अच्छा लगता था, अच्छा यार काका एक पॉइंट नोट करना, पॉइंट बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट मेरे नोट करना, बड़ी तरीके वही भजन तो बड़े थोड़े शब्द तो बड़े थोड़े सुने लाए हुए नहीं है, बस मैं अपना काम कर रहा था, ध्यान देखा है अच्छे थे, चिट्टे कपड़े पाए थे, बाहर छोटे छोटे बाहर थे, बस अच्छे अच्छा, और ये मैं कल से दुकान से दो बार गया थी, है कल से दो बार आई थी, हाँ वो सुने पता लग गया, दुकानदार ने दसा तू सेवा करना है, वो बड़ा मन खुश होया थे को, मैं कहा बस बस तुम दो बार आके मैं माफी करना, अज तो बाद हूँ दिक्कत नहीं होगी, हूँ दुकान खुलेगी, क्यों हूँ दुकान क्यों हूँ खुलेगी, तू तो वैसे ही खोले, मैं कहा पापा जी पहले ना शामी सेवा चल जाते, हूँ नहीं सेवा जाना, कहते क्योंकि होया बिल्डिंग पॉइंट और ऐसी गल करना, मेरे कुछ नहीं, वो कहते ना साथ किसी को जादू कर दो ना सारा वेद को अनजान बंदे को कैसे कौन बताता है, वो तो कुछ चक्कर चला दिया था, वो ये तो डाउट है, क्योंकि मैं भी 40-45 साल का हो गया, चक्कर कुछ गड़बड़ थी, वो बाद में पता लगी थी गड़बड़, बाद में बहुत पकड़ा है मेरे बड़े, उसको पकड़ना चाह नहीं पकड़ सका, वो हवा है ना हवा, कहते ना पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु नु पकड़ सकते, अच्छा बिल्डिंग बोल ये गल हुई है, हाँ जी हाल तक याद है वो गल भूल एवं काम कर, कहते काका एक काम कर रहे थे अपना रेडी काका ना मेरे कंधे से हाथ रख, काका गल सुन जब मैं हाथ रख दे, काका ते गल दस तेरी मां ने तेन कभी दाल लैंड भेजे, मैं क्या भेजे की क्या, मैं क्या मेरी मम्मी कहती है बिट्टू 100 ग्राम दाल लिया मूंगफली की खिचड़ी बनानी है, गरीबी हालत 100 ग्राम दाल ही खिचड़ी बनानी है, अच्छा फिर तू की किया, मैं क्या मैं 100 ग्राम दाल लिया है, और मैं आ भी गल करने में कोई देखे भी तो कहे प्यो पुत्र लगे पे या पढ़ा लग, अच्छा मैं कहता हूँ ये मम्मी ने की किया, देखो मम्मी ने थाली पाड़ी पत्थर चुने, अच्छा अच्छा उसे कितने पत्थर आ गए थी जो मैं आपके दिन पहले सुन लेता, देखा जी 100 ग्राम दाल लो तो 5-7-10 पत्थर तो आ ही जाते, 5-7 तो अच्छा 5-7 पत्थर आ जाते, हमने कहा जी आ तू जाते 500 ग्राम दाल लो तो 5-7 पत्थर आते, मैं भी अखा ने अखा पा के गल करना, हाथ एवं रखा हुआ काका गल सुन मेरी, जो 100 ग्राम दाल उस 5-7 पत्थर आ जाते, ये 100 संगत आदि एक 4-5 गलत नहीं आ सकते, क्या सत्संग बंद कर दीजिए, दाल तेरी मम्मी ने सुट दी थी, देखी कितना थी हाँ फिर पापा जी बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, हूँ अज जाना है सेवा था तू अज पहुँचना है शामी, मगर ये देखो इतों गलती पॉइंट लेके आउट हो गया ना,
तू जाना सेवा से, मगर चुन कहते तो क्या पता मैं जाना सेवा से। बाद जन पता लगता है ना पता गलत कितने गति हरकत कर गया। हाँ मैं तुम्हें आज जाना है, हाँ जाना है तू सेवा से ठीक है। ओ सास जी थैला हाजी चेक चेक वाला थैला भी सी मेनू कपड़े वाला क्या वाकई में ये फिर पिए पकड़ना बड़ा औखा इसको चले डाले तो फाइबर डाले कितने पैसे कितने पत्तों में 150 रुपये चलो अलग 150 रुपये जाना है एवं शवाश ऐ मुंडा जो कल दबाने ना थे कंडी के खुश है मैं अपना अच्छा वो चले गए वो चले नहीं गए थोड़ी आवाज कुछ प्यार मोहब्बत किसी किसी कशिश छोड़ जाता है बंदा। मैं कहा पापा जी तुम कितने रहते हो तो किसी ना प्यार बढ़ जाता है कहना मैं तीन नंबर सीप रख लेना तीन नंबर किन्ना है ठीक बेकर साथ संगत जी मैंने दसिया है शायद 95 पता नहीं 105 नंबर एक कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गई 5 साल पहले की गल है। हाँ 5 दो खोल हाँ हाँ बिल्कुल पूरी लोकेशन से हम ध्यान है अच्छा मैं 105 ही दसिया क्या पता नहीं 95 ऐसी थी मैं ठीक है पहुंच जाऊंगा मैंने याद आया उस टाइम नंबर अच्छा हाँ ठीक है पापा जी ठीक है पापा जी बस भाई एक्टिव आ गई अच्छा गलाका दी मेरे को भीड़ लग गई ऐसा मेरी दबड़ दे दो मुझे हैंडल दे दो मेरा कुकर दे दो मेरा ये थर 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 थर। हाँ संगत जी यकीन मन्ना 5 साल पहले मैं अगर 700-800 की सेल करता थी 250-300 रुपए बन जाते होंगे सी मन खुश होता चलो अच्छा हो तो हर एक तू होती है लालच थोड़ा रोटी का चाह होता ही उस टाइम 700 जी मेरा 30 साल 1000 तक सेल बात सेल की थी उस रिकॉर्ड टूट गया मैं 2400-2500 रुपये की सेल की थी बोनी चंगे आगे भी ना कल मैं जावांगा ना काम से पहले मैं राम राम कह के फिर जाता बोनी हो लालच तो होंगे घर का भी सबसे जिदा करता ना अरे करके तेन नहीं पता प्यो नहीं पता होता बाकी कहते हैं ना प्यो जन्नत का दरवाजा सही गल है। अच्छा मैं अपना बड़ा खुश क्योंकि वो सारे अपना गड़बड़ 2400 जेल होगी बंदा बड़ा चंगा है चलो मैं उसके साथ संगी सेवा करके आया दूसरे दिहाड़े सवेरे काम से जान लगा मैं कहने पहले नहीं जाना और नाल ही पै जा 10 मिनट दस मैं पहले पहले ना उन्होंने मिल के दाम दाम करके जाता चाहे उन्होंने दरवाजा देख लागा बाहर मिल गए दाम दाम का कुछ बहाना बना देता कुकर ठीक है अंकल चक्कर देख लागा ना अच्छा वो उत्थे गया उत्थे सत्संग चार पांच प्लाट दे मकान मकान ही नहीं बनया खाली प्लाट है नहीं उस 15-20 मिनट उस गली बीच चक्कर कट्टे ये कहते तो मकान हिम्मत ये बीचे तो मकान जो 5-7 मकान बने नहीं पे हाली भी 2 प्लाट खाली हो सकते का सत्संग जी बिच कई बार जल्दी जाना वो बाबा जी आज जरूर आदमी है वो गली बीच निकलना होता को कस्टमर मगर उन्होंने प्रेरणा शक्ति देते कि माँ दर हम किसी की परवाह नहीं हूं बाबा जी कहते पता कौन आन दिया वट्टे मारे भाई जी ले जोड़े सतनाम जो अपना उत्साह अपना बड़ा दे उस दिन तो बाद अज भी तुम वट्टा भी मारोगे सत्संग जी वट्टा भी एवं घूम जाएगा पहले वट्टा लग जाता सी ना हूं तो वट्टा भी नहीं लगता कहते जा इस पत्थर आ गए चाह पा समझ जाना हूं तो पुस्त बड़ी हिसाब न चलिया अच्छा मुझे अच्छा सत्संग जी फिर दूसरी गल होगी चलो फिर मेरी एवं काफी जुड़ गया फिर मैं बड़े मंदिर मेरा सत्संग बड़े मंदिर में था गुरु पूर्णिमा थी जिधर मेरी मुस्कान बेटी भी कल फर्स्ट ईयर में आना था आ गई थी वहाँ पे एडमिशन होना था अब पापा मुझे मतलब मैं इस पर रोक रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे हम मुझे मकान का किराया तो वहाँ एडमिशन ना करावा की करा अच्छा नहीं अपना चलो होगा जगह नहीं पापा जी को मैंने कन पढ़ना है वो बेचारी मेरी तीन बड़ी होशियार है पढ़ाई में थोड़ी होशियार क्या थी बस तिया होता है अच्छा नहीं बड़े मतलब मेरी
गुरु पूर्णिमा के दिन पे मेरी सेवा लग गई, हरि अंकल से मेरा कनेक्शन हो गया, बेस्ट तुरिया से पास उनकी सेवा में बाद शू स्टेट वाले मंदिर के बाद होता था, वहाँ पे फिर मेरा बैच वैच बन के वहाँ पे मैं लग गया सेवा में। फिर अचानक मेरी सेवा लगा दी हरि अंकल मोहत अंकल बात सुनो, मैं जी पापा जी, क्योंकि मेरा तो रिलेशन बहुत हो गया फरीदाबाद के भी से, बड़ा प्यार बन गया था। फिर बन तो गया था, फिर मुझे कहते अंकल आप ये छोटा सा टेंट लगा रखा था, कहते अंकल आज के बाद तुम अब ना आपकी सेवा ये चार लड़के आपको दे रहा हूँ, आप बड़े हो यहाँ से, वैसे कोऑर्डिनेटर बन गया छोटा सा, बन के क्या इंचार्ज हो, और ये आपके पास भल्ले हैं, टिक्की है, पापड़ी है और लच्छेदार पराठे हैं, ये सेवा जिन्होंने बैच पहने हैं उनको आपने देना है, ठीक अंकल आप यहाँ पे हो जो बसात भी हुई थी गिले भी हो गए थे, मैं खड़ा, मैं अंकल कोई चिंता नहीं गर्मी वाले दिन चलो मैं लग गया, आओ अंकल क्या खाओगे, अंकल क्या खाओगे, सैंडविच है, लच्छेदार पराठा है, पराठा दही दाल के साथ दिया मैंने अपना, प्लस चार 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 पाँच लड़के मेरे पास खड़े थे, अंकल पानी भर में डाल दो, मैं आपको कुछ चार संभाल रखा था। अच्छा हनी अंकल आ गए, अंदर ही वैसे कोई खाली हो गया था जब तक बसात आई थी, अंकल रुकी थी, मैं मन में बोला मैं बाबा जी बस हल्का था ही, बाबा जी मुस्कान एडमिशन कर दी है और एडमिशन कराना है, उस दिल्ली का तो नंबर आए नहीं पैसे किए देख लें। अच्छा बाबा जी प्रसंगा हनी अंकल आ गया, हाँ बोलो अंकल क्या खाओगे, मैं अंकल बोलो क्या खाओगे, मैं अंकल भल्ला पापड़ी बना दूँ ठंडा ठंडा, हाँ ये भल्ला छोटा सा बनाइए पापड़ी मंडल छोटा भल्ला बना, मैंने डाल मसाला डाला तक। अचानक हनी अंकल को थोड़ी बहुत मुझे जानते थे, हाँ ये बेटी है इसका बेटा है, ऐसे थोड़ा प्यार और ऐसे खड़े हो गए टेक लगा के, अभी संगत आ रही थी बसात में कीचड़ था, तो बता मुस्कान के खड़ी किया, मैं पापा जी बस हो गया है तो मुस्कान है ना एडमिशन करा, मुस्कान कहती दिल्ली उसके नंबर काटा है 68.2 और उससे तो मैं भी नहीं चाहता, और मैं चाहना अंकल ये लड़की कॉलेज है ना आनंद मेहता जैन था, मैं उससे अच्छा उसे कितना है उधर, मैं कहा उधर लड़कियां का कॉलेज है उसे 10 रुपये जाएगी 10 रुपये आ भी जाएगी, लवीर से लगन के नाली खाते थे चल जाएगी, फिर कम होता है कहेंगे अच्छा वो इसके हो जाए, चलो नंबर नोट कर, उन्हें पता मोबाइल मैं अपना थाली कटिया मोबाइल बारिश आ गई थी 9810 एम एन नंबर दस देते नंबर दस है, कहने कौन है कहने साढ़े गुरु जी है मेहता साहब है आधे समाज है तू जाएगा तेरा कम हो जाएगा तू चिंता न कर, मन खुश हो गया तो अपने बाबा जी देंगे कम हो जाएगा, चलो मैं मोबाइल नंबर अच्छा कर गया रात की सेवा करके, मैंने उनका लगे अब हफ्ते का पहुंच गया, पापा मेरा एडमिशन सारा एडमिशन डेट निकल गई है आप क्या करोगे, फलाना तू चल तो सही है सर 2 दिन हो गया ना डेट निकली तू चल मेरे साथ, चलो अच्छा मैं मुस्कान बुझे दिल की मगर मुझे साथ था मैं बाबा जी साथ है नाल नारायण मेरे जमदूत नावल चल, जय अनंत कॉलेज पहुंचा वहाँ पे देखा कम से कम 100-150 आंटियाँ वो अंकल भीड़ लगी हुई थी, भीड़ क्यों लगी हुई है, तब एडमिशन के लिए आया एडमिशन खत्म हो गया, मैं कहा अच्छा अच्छा एडमिशन खत्म हो गया फिर अच्छा, मैं कहा कोई चिंता ना कर मुझे नंबर दिए है अंकल ने, मन में आका उसको तो नहीं बताया, फिर देखा जी जय गुरु जी गाड़ी लिखी हुई गाड़ी हाँ आगे मेहता साहब आगे, मैं देखे हुए हैं कई कई संगत पे सत्संग पे आते हैं थोड़ा सा ध्यान था बात, ऐसे मैं अंदर गया वहाँ पे भीड़ भड़क के मैं साइड में से काट निकाल डाल के मैं उसके दरवाजे पे पहुंच गया, वहाँ पे वो थी ए आंटी वो गेट कीपर, हाँ कहाँ जाते मैं लेडीज के बीच में लेडीज खड़ी जब बीच का उसमें साइड से दबाते अलग 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 के, मैं कहा जी पता नहीं मुझे गुस्सा आया अंदर की पावर आई मालिक ने क्या, अगर आराम से बात करो उस बात पर बोला अंदर मैं तो सबको बोलो बड़े मंदिर से बोलो तो अंकल आया, मतलब मेरा कोई क्या मतलब क्या फोन बनवा गया वो मेरा नीचे से मुंह पब्लिक का निकाला देखो तो अंदर गया अंदर मैं मैंने एक मलिक साहब बैठे दूसरे बैठे थे जैकू जी तो ऐसे ही लोग मैं जी मेरी बेटी के 68.2 हैं और बेटी का फर्स्ट ईयर का एडमिशन कर सकता है अगर
फाइल पड़ी, घंटी बजाय 10 वो आ गई। ए फाइल ले जाओ, देनू मैडम, मतलब देनू मैडम दी, उनके पास ले जाओ। मैं तो बोलो, उनको बोलो एक आ दिया, इसको बेटी का एडमिशन करा के फटाफट फाइल ला के मेरे पास आओ। चलो थोड़ा डरा डरा वो फाइल, चलो जाइए आप इनके साथ। मुझे जय कुछ भी बोलो ऐसे हाथ जोड़ के काँप रहे हाथ, चल पक्का चल, क्या होगा? मैं कहा तू चल तो सही ना, भीड़ भड़क का था वहाँ पे, गैनू मैडम पे भी होगा। आप टीसी लाए हो? मैं तो टीसी क्या होता है? मैं बात मुझे मुस्कान से पूछा, मैं मुस्कान टीसी क्या होता है? कहते पापा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मैं कहो कहाँ है? कहती वो तो स्कूल होता है अभी तो वो है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा बहन जी मैं ले आता था उसकी एडमिशन। हाँ आप टीसी लाओ फिर देखते हैं। वो भी एडमिशन खत्म कर इसके लिए। मैं कहा हूँ 31 सेक्टर मैंने जाना, 12 किलोमीटर साइकिल पर कैसे जाता किसी में? यहाँ पे एडमिशन आज या डेट खत्म कुछ हो जाती। बाबा जी बैठे हो मेरे हो, पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। हाँ एक अंकल सेवादार को मैंने फ़ोन कर दिया, कोई मैं हमारे सेवक मेरे को फ़ोन कर, मैंने कहा हेलो जब जी। हाँ मतलब अंकल कैसे है? देखा यार कम पै गया। कहते हुक्म का सेवा बता, छोटा सी उम्र का लड़का, अनमैरिड लड़का, हुक्म बता क्या हुआ? देखा तू देखो कहा रहेगी तू आ तक ना दयानंद कॉलेज, मेरी ना एक टी सी लाना है, बड़ी परेशानी हुई है। ओ तू बाहर निकल पहुँच गया, पहुँच गया कैसे पहुँच गया? कहते तू पहुँच गया तो बाहर तो निकल पहुँच गया, चिंता क्यों करता है? मैं बाहर जो 1.5 मिनट बाद गाड़ी तेज चला कर ट्रक उनका सोया आराम ना चलाया कर, कहते हम करो वो भी आप निकल पहन के अपना टी शर्ट। मैं कहा बेटा तुम अंकल फोन आ गया चलो क्या? मैं कह 31 सेक्टर जाना है सीधा बाद ऐसे बैठ बैठ। मैं कहा मुस्कान तू खड़ी रहा मैं आ गया। फटाफट उसने गाड़ी शूट शूट करके 31 सेक्टर पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे वो जो फीस जमा करते थे मेरी, मेरे साले साहब जाते थे और आंटी की दो की फोटो लगी हुई थी। मैं तो फीस देने गया नहीं, मैं तो कहा काम का तो फोटो वाले वो जानते थे ना, तो कभी जाने नहीं देते थे क्योंकि तो मामे की फोटो लगी थी, आंटी की फोटो लगी। कहानी मेरा बेटी पड़ती थी क्योंकि मलेशिया के लिए सिलेक्टेड हो चुकी थी, वो अभी तक टीवी भी वो देख रहे थे क्योंकि नाम वो ठप्पा लग गया था। अच्छा फिर आप कौन? मैं कहा जी मैं मुस्कान मल्होत्रा का पापा। यहाँ पे तो प्रदीप संदीप और सीमा जी मेरे साले साहब हैं, आप फादर हो वो फिर ये। मैं कह मैं टीवी पे जो आप फोटो देख रहे हैं मुस्कान बेटी है वो तो मैं फोन पे बात कर दूँ। अच्छा आप तो फिर एक मैडम को बुलाया था जी, सर ये टी सी लेने आया। कहते टी सी ऐसे कैसे दे देंगे आपको टी सी? मैं कह जी बहुत मेहरबानी होती, वो स्कूल का एडमिशन का चक्कर खत्म हो गई है आज बिल्कुल प्लीज। मैं अपने साथ ना मैंने पता कह टी सी होता फिर बढ़ाना होता कागज से फिर देखा पता नहीं वो मेरे मत्थे वाले देखे। मैं शायद मुँह तो कुछ काला ना लग गया आप क्या हो गया वो देखते वह मैं जोड़े मैंने समझ ना ये कहानी की भी मैं तो शायद मुँह कुछ काला लग गया था बाबा मेरे मत्थे देख लीजिए है। अच्छा आप ऐसे तो हम देते नहीं है सर। फिर मैं कह जी मेरी गल है जी मैंने दो मैं क्योंकि बेटी का एडमिशन चक्का फंस जाती। अच्छा वो कहती अच्छा फिर मामा को ला। मैं कह जी आप नहीं ला सकते ऐसे ही पराई गाड़ी से आया हूँ मैं, ऐ बात है। उन्होंने कहती अच्छा ठहरो क्यों अंदर गई पता नहीं क्या देखे फिर मेरा मत्था देखे हल्का था हाथ जोड़े मैं तो मैं हाथ जोड़े मत्था क्यों देखती थी बार बार मैं काला शाला लग गया अभी मैंने मन में ये सोचा। फिर मैंने उन्होंने मुझे कहते आप लिख लोगे जब प्राप्त किया? हाँ मैं क्या हिंदी में लिख दूंगा मैंने प्राप्त किया। कहते आप ऐसे देते नहीं है आपको देती हूँ। चलो उसे मैंने लिख दिया टी सी प्राप्त किया वहाँ से साथ में जी मैं टी सी लेकर आया उस मैं अपना खास पहुँच उस कॉलेज पर गया फटाफट एडमिशन हो गया। कहते अंकल 12,000 जब मैं करा 12,000 पे हमने 12,000 पे मैं कितों करावा मेरे पीछे पीछे तो पैसे है ही नहीं। अच्छा है मुश्किल 2.5-3 ले जाओ उस जी और कर दो ये लोग रसीद विजय बैंक में जाओ 12,000 पे जमा कराओ और आपको नंबर है और पापा पैसे। मैं कहा हाँ चिंता ना कर दूँ अदर मैं कह फिर दोबारा वो फाइल पास होगी फिर मैं अंदर मेहता साहब खुल गया। मैं कहा पापा जी क्या कहने हाँ जी मैं पापा जी थोड़े आशीर्वाद के नाल एडमिशन हो गया है और आप जी के पास करो तो मैं उनको कहने का बहुत से ज़्यादा था पैसे अभी है नहीं लेकिन पैसे में अगर 4-5 दिन तक जमा करावा तो चलेगा। मैं मन में टिस्ट उठती वहाँ पे गया मेहता साहब ने मेरा कागज़ देखा 12,000 पे जमा करने हैं पुराने से डेट तेरी उसने उन्होंने 3,000 में खाली लेस कर दिए
बड़ा कहते हैं लोग, मैं कहा पापा जी अगर वो भी डिस्काउंट मिल गया 3,000, कहते जब भी चीज जमा कराओ तो मेरे पास वो हो जाना है। अच्छा मैं कहते पापा जी अगर मैं 4-5 दिन का पैसे कराऊँ चल जाएगा मेरे को इस टाइम? ओ कोई गल नहीं, जब मैं जी कह रहे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, फोन कर देना, कल परसों तक सर करवा देना जमा जी। मैं ठीक है पापा जी, एक करके साइन करके एडमिशन करा करके मैं बाहर आ गया। मुस्कान को घर छोड़ा, मुस्कान को घर छोड़ा था संगत जी। अब मैं पापा दुकान पे गया, मुझको पैसे है, अब कल तो करूँ क्या पैसे? तो मैं कहा चल कहीं ना कहीं से गुरु भाई से या किसी करता हूँ तो थोड़ा बहुत चीजिया बनाता हूँ तो एडमिशन कराना है, मुस्कान भी लड़ रही। अच्छा अचानक मेरे पास एक सत्संगत जी, मेरे पास जो थोड़ा कबाड़ा इकट्ठा होता है थोड़ा बहुत हो जाता है, दिवाली की दिवाली बेचता हूँ 5-7 हज़ार का, तो वो आ गया कबाड़ी आ गया। भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम सलाम भैया जी, मुसलमान था सत्संगत जी। फिर कहता है भैया जी माल, मैं कहा माल अभी नहीं है, दिवाली पे दूंगा, अभी नहीं देता, अभी 2-3 महीने हैं, दिवाली पे दूंगा अभी नहीं। कहता है आप दिवाली पे दोगे? ऐसा बोलो मैं जा रहा हूँ गाँव। मैं कहा हाँ जी बाबू जी, माल मुझे लूंगा। मैं कहा माल दे दूंगा जब आएगा। कहता नहीं नहीं ये तुम पैसे 6,000 रुपये रख लो। मैं कहा 6,000 रुपये कैसे क्यों रख लूँ? कहता तुम माल दे देगा किसी को। मैं कहा मैं नहीं दूंगा भैया, चिंता मत कर, तुझे माल दे दूंगा, आ जाइए ले लिखा जो रेट होगा तो हो जाएगा। कहते नहीं आप 6,000 रुपये रख लो। वो जबरदस्ती सत्संग जी, हालांकि पहले तो मान लो तो पेमेंट देते होते थे, यहाँ तो पेमेंट अभी 2-3 महीने पहले पेमेंट गुरु जी भेज देते। अच्छा 2-3 हज़ार में पकड़े थे। अच्छा नहीं तुम रख लो 6,000। वो सत्संग जी अला माल देना मैंने दिवाली पे, तो 2-3 महीने पहले पहले पैसे मुझे 6,000 गुरु जी ने भेज दिया होगा। अब तो सारी कहानी पता लग रही है सारी, तो गुरु जी ने भेजे होंगे सेवा पैसे 6,000। वो 3,000 कह के मैं लस करके बाबा जी के पास मैंने एडमिशन, मेरी बेटी का सत्संग जी एडमिशन हो गया। शुक्राना सच्चे बादशाह का, बहुत बहुत शुक्राना सच्चे बादशाह ने ऐसे कृपा की। बाबा जी ने सारी तथ्य के हिसाब से करते हैं, ये वो करते रहे, मुझे तंग भी निचोड़ते भी रहे और मेरा सारा काम भी करते रहे। ये सत्संग जी, ये मेरी जीवनी था। अगला सत्संग मैं आपको जैसे हुक्म आंटी का होगा, वो कहते हैं 1 घंटे का 1.5 घंटे का सत्संग करो, तो मैं कबड़ा खा दिया 1.5 घंटे का। कोई सत्संग जी को गला बोलना चाहोगे क्षमा करना सत्संग जी। वो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आगे आगे हो चीज नहीं बताऊंगा। कुछ और शेयर करना आपको याद आ रहा है तो प्लीज कर दीजिए। एक क्या सुना, चलो एक छोटा सा सुनाता हूँ एक नाम के लिए। अच्छा सत्संग जी, मेरी रिश्तेदारी में एक शादी थी, मुझे कार्ड भी दिया, शादी थी वो गरीबी ब्लॉक है अच्छे कार्ड। मैं तो पता था चलो कहाँ से देखगा तो देता, इतना तो मैं भी उठाऊ देना तो अपने उनके हाई सोसाइटी के बंदे आएंगे मेरे पास। अच्छा मैं मन में आ गया, मैं याद आ गया एक छोटा था, मैं क्या पापा मतलब गुरु जी के साथ छुप गया कार्ड नहीं, कोई गा नहीं हम तो वो खाए पिए हैं बस। मन में था, मन में ऐसा पापा जी देखा कार्ड नहीं देता, ये सब पैसे नहीं देते। मैं आपस में जैसे भी बातें करते हैं प्यो कहते हैं याद भी बन जाता है, प्यो तो होता है या याद भी बन जाता है, कई बातें करनी पड़ जाती है उससे। कहता देखो पापा जी ज्यादा कार्ड नहीं देता, देखा ना ये हाल होती है ये लोग मान लीजिए थोड़ा। मैं तो अब तो शादियाँ तो खत्म हो गया, अब तो शादी गुरु जी के साथ हो गई, अब मैं क्या लेना किसी ने। अच्छा गुरु जी कहते अच्छा चल, मैं बड़े मतलब सेवा कर ही रहता था। हाँ समझ लो तुम 3 ब्याह के कार्ड मेरे हाथ में आए, 3 मिठाई के डब्बे, 3 कार्ड समझोगे, क्योंकि गुरु भाइयों की शादी होती है वो किसी को किसी को नहीं देते। बोला तंग कर एक कार्ड और आप मुझे फोन कर देना, गाड़ी आ जाएगी आपको ले जाएगी, आपको यहाँ पे आशीर्वाद देने आना है आपने। ये भाई मैं हरान हो गया, मैं कहते एक कार्ड कहते गुरु जी कहते ला 3 कार्ड ला हूँ संभाल कितने जाएगा। मैं क्या यार ये शहशाह की बातें, तो कहते एक मांगो तो देता है ना वो एक कार्ड के लिए तो सस्ता है। कहता है ला कार्ड, तो 3 कार्ड से मैं हरियाणा हो गया टी पॉइंट पे। अंकल मेरी फ्लाइट है, अंकल मेरे भाई की शादी है, आपने जरूर अपना आशीर्वाद देना है। एक प्यार एक कनेक्शन कुछ, वो गुरु वाले गुरु भाई ना हम अलग है, हम गुरु भाई कुछ दूसरी चीज के बनते हैं, ये रिश्तेदारी एक अलग चीज हो जाती है। मिर्च और मीठे का कोई संबंध नहीं होता ना, ऐसे हो जाता है ये मिर्च होती है गुरु भाई तो मीठे, क्योंकि मैं तो गुरु भाई को बड़ा प्यार करता, मैं तो उनको देख गाड़ी भी देख ले तो कहता मजा आ गया शहशाह की गाड़ी जा रही है। अच्छा उस 3 कार्ड आए, मिठाई का डब्बा आया, मैंने मुझे मालूम था क्योंकि मैंने पहले गरीबी में मिठाई के लिए सस्ता था, मैं कहने मिठाई डब्बे मेरे लिए शटल पॉइंट चलाते ना, तो
कान दे के गया, नुकान जी हाँ जी झूठ पापा जी कदर ही एक तू रख, और डब्बा खोल दिया छठो सेवा वाले को दे, क्योंकि मेरे गुरु भाई मेरे कोई है, ये खा गए सारे खा गए। अच्छा मेरे गुरु वहाँ पे संगत को बांटता है, वो फिर डब्बा कार्ड रख ली साइड में रखे रखे, उनको सबको एक एक पूछा था, हमारा तीनों डब्बे मैं कल रात में घर ले गया था, तीन चार गुलाब जामुन ले गया था, चल मुँह मीठा खा लिया, मेरी संगत में ही सब कुछ है, मेरा ब्रह्मांड ही संगत में ही है, क्योंकि हम बड़े मंदिर सेवा करते हैं ना, आए बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमारे से सड़के भी बातें करती है, आप कहोगे पागल बनना है, हमें अपनी उस सड़क पे जाते हैं ना गुरु जी की सेवा करते हैं, हमसे सड़क भी हमसे देखा जाए ना, अगर ये मान लो तो सड़कें भी हमसे बातें करती है, हमारा ऐसा लगता है आप अपने विकुंठ में आए हैं, अपने इस परिवार में आए, क्योंकि वो मजा ही कुछ और होता है, वो बातें अंदर महसूस की जाती है, वो बोला नहीं जाता, हम बड़े मंदिर जैसे भागते हैं छोटे माल उठाए उठा, वो हमें ऐसे लगते जैसे अपने घर पे ही सब कुछ करते हैं। बाबा जी बड़ा शुक्राना है कृपया गुरु जी ने वहाँ पे, फिर मैंने वहीं पे कार्ड वहीं कार्ड को वहीं पे कोई बात नहीं, वो बाकी मिठाई बताई अपने शटर के वाले शटरदार सेवादार, मैं कहा उनका सबको पता मिठाई यही खुआता है, क्योंकि अंदर से डब्बे भी आते हैं सबको वही बांटना है उन्हें की डिब्बे, मैं कहा लो 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 भाई भाई महाराज जी कृपा करें, बहुत सीखा लगे भाई सत्संग जी इस हफ्ते रहा, अगली जीवनी बाबा जी जब हुक्म करेगा जो फरीदाबाद में गुरु जी के जूते आपने वो थे उतार के गए थे अंकल, तो आप उनको ढूंढने गए तो चलो सुना दो सुना तो अच्छा चलो हाँ जी, नहीं पापा जी प्लीज कोई काम नहीं, मैं तो ताड़न तड़ गया ना, तुम शहशाह हो अभी वे अभी छोटे हुक्म करो पार। अच्छा साथ साथ जी एक ही सत्र में एक सत्संग था, ध्यान था मुझे पांच छह में नहीं हुए थे, एक कहते शब्द आता है ना संगता बुलावन गुरु जी नावन में हो नहीं सकता, ओह डेफिनेटली गल है, दो बार चांस हो चुके हैं। अच्छा मैं अपना सेवा करना पाया, पहले सत्संग जी नमा नमा था ना, पांच छह महीने हुए थे मैं बैठ जाता था, जो संगत जी आई थी बैठ जाता था, आज वो पांच साल हो गए आज तक मैं जिंदगी में नहीं बैठा, छह महीने बैठा था उसके छह महीने साढ़े चार साल हो गया, तो मैं बैठता नहीं, चाहे संगत दस हो या बीस हो पचास हो। अच्छा अब मेरे खड़ा होता हूँ बॉडी गार्ड की तरह खड़ा रहता हूँ, क्या अंकल बैठ जाओ, नहीं बैठ नहीं है वो मेरा मालिक एक बार आ गया गलती ना, जब आया होता खड़ा होता आज मेरी तनख्वाह बढ़ जाती कहने का भाव, तो मालिक क्या कहेगा बैठा क्या होता है। अच्छा मैं बैठ जाता था, एक अंकल आए एक बजे की बात थी, बारह से दो सत्संग था, साढ़े बारह से ऐसी सत्संग था, एक एक बजे अंकल आए, एक अंकल थे कहा जी अंकल जोड़े थे सर, नहीं नहीं ये वेडिंग उनकी थी पॉइंट जो आप सोच, मैं बड़ा दिन तीन मेरे दिन माम में मोबाइल कार्ड पर ठीक था, नहीं नहीं मैं वेखने आया कौन की करता पे, देखो जी अद्धा दीवान सजिया पे बाबा जी बैठे गुरु जी जोड़े थे। अच्छा फिर मेरे वाल देख के ना नीचे से लेकर उसे तक देखा, अच्छा फिर चैन बूट भी खोली छोटी जी और बूट सारे बादामी कलर के बूट थी, बूट से मैं बूटे जैन जैन सी रखना लेडीज लेडीज रखी थी, और इक्कीस सेक्टर मकान थी, रास्ता इतों की बंद थी अगर की रास्ता, दस मकान इधर राइट थी दस लेफ्ट थी, वो मैं कोने वाले मकान से सत्संग रखा जैन थी, इधर पार्क था बंद था। अच्छा ओके मैं बूट रखे, मैनू वो जो देख के कहते क्या है, मैं क्या सैनिटाइजर वो फिर आस्ते आस्ते मल के मेरे वहां नीचे से उत्ते तक देख के चलने लगे, मैनू डाउट होया ये वे मंदिर का कोई अफसर है, अच्छा सफाई जहा सूट पाया बड़ा सोहना जहा लगता था जा तो बूट जहा पाया होया, मैंने वो हाली बूट रखे वो अंदर जाके बढ़िया दस फुट चला गया उसकी, दस फुट के अंदर बड़े एकदम मेरे पीछे पीछे जाते, मैं देखा सही वे वे बड़ा मंदिर का अफसर आया लोग की करते हैं ये, क्योंकि अंदर की सारी कहानी वाली मंदिर की मैंने पता नहीं थी, मैं तो जोड़े उठाना जोड़े रखना जोड़े उठाना जोड़े रखना। अच्छा उसे रखा वो जो अंदर बढ़िया है एकदम मैं पीछे बढ़ गया चार फुट का रस्ते था अगे जा चार फुट का रस्ता उसी दरवाजा थी अंदर दीवान सजा वैसी और दस सौ चार चौदह हो गया ऐसे लेफ्ट, मैं वो जो बढ़ मैं एकदम पीछे चल पाया पीछे जो अंदर जाके बिल्कुल अंदर बढ़ गया, अंदर देखा तो अंदर कोई है ही नहीं, अंदर चालीस चालीस पैंतालीस आंटी इधर तीस पैंतीस अंकल इधर बैठे, मैं सामने देखा दीवान सजा पे बस हाथ हल्के से जुड़े मेरे, सामने देखे तीन कमरे से नजर मारी बंदा नजर ठीक है बंदा आवे कम से आंदर मत्था जो टेकते ना बाबा जी को गुरु जी को, सामने दीवान सजे पे आंदा पांच तीन चार मिनट लग जाते
अच्छा मैं चार सब देख रहे हैं, सामने वॉशरूम भी खाली है, सामने दरवाजे खुले पे कोई है नहीं। वो आंटियां दो तीन दिन जो कही इशारा मैंने कहना की होया मल्होत्रा, मैं कुछ क्यों नहीं बैठो बैठो कुछ बस। उन्हें समझा कि कोई गलत गाड़ी लगी हो गई शायद, मल्होत्रा अंकल देखते पे होने की आंटी अंकल आ, मैं कह नहीं बैठो कोई गल। अच्छा वो जो तो देखे मुझे कह यार, फिर जो बाहर निकला गेट से पोली में खड़ा, बात तो बिल्ली भी नहीं जा सकती गेट से। यार बंदा अंदर जाता है मत्था टेक देता है, ये बंदा अफसर आया मत्था भी नहीं टेक किया इस बंदे ने, बंदा गायब कितने हो गया। फिर खड़ा के फिर दोबारा गया सीता उधर जमा के, और ठीक है बेटा कुछ नहीं तो बाहर आ गया। यार ये कड़ा बंदा है ना मत्था टेकया ना कुछ, बाहर आ गया। मैं एवं साइड से नजर घुमाई साथ संगत जी, देखकर बूट भी गायब। कुत्ते का भला बूट कितने गए, उतर 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 वो मेरे हाथ में पैर पै गए। मैं पा जो कुत्ता ना ले गया हो तो क्योंकि जोड़ा उठा लेंदे कदा कोई कुत्ता कोई वैसे कहते, वो मैं फटोफट देखा गर्मिया दे तेल में कल मई का महीना उसके बड़ा तपती तपती गई। पीछे देखा ना कुत्ते ना कुत्ते की जात, गलियां दस दस मकानी से खाली, खाली सड़क खाली खाली। वो मैं क्या यादव बनो बूट बड़ा शान में का बच हुर के वो इतना तब से घूमता थे बूट को जी वही बूट कैप जोड़े थे चॉकलेट कलर थे इन्हें ने। ओहो हो भाई जी हूँ गड़बड़ हो गया बूट नजर नहीं मेरे उत्ते का सा उत्ते नीचे था नीचे ने अपना मुंह मारा। मैं कहा अचानक मैं मत्थे मारा, मैं क्या वो आया एवं गया एवं देखा मेरे हाथ से खुशबू आई। ये खुशबू किस चीज की है, यानी डाजे डाल के ना मैं इस टाइम पागल होया पे बूट बन देने। मैं एवं साफ किया मैं अपना वो आया तो खुशबू फिर भी बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ गया हाथ। कहते ना जोड़े कर जोड़ेदार दू ना गुरु जी आंदा हाथ भी ला देते बूट ला सकते, तुम तो मैं हाथ भी ला सकते तो मैं तो ला सकता ना बूट। मैं उस टाइम इन चीजें नहीं पता, संगत कहती है खुशबू आती है कुछ इन चीजें का वैसे दाप वा। अच्छा देखो तो इतने शुरू हो गया मंत्र जाप बच्चा हूँ आसन हो बाबा जी। वो अंकल कहते मैंने बूट दे मेरे आए मित्र में बूट दे बाबा जी सब पर हजार आठ के बूट तो बाद हो जाए अपनी एक कीमत। और बाबा जी वो खुशबू बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आता जो मैं अपने चुप मैंने चाहे नहीं मनना थी ना मैं कदा थी चलो वे आती होगी इतने मेरा वो थे आती हो जाए मेरा दम घुटी जाए। मैं तो बाबा जी वो हूँ अंकल आता बूट होने खड़ा भी बा कोई आ भी नहीं सकता जा नहीं सकता पूरा दिमाग टमेट लगाया मैं ना चिट्टी भी नहीं गई क्या मैं क्या कर। अच्छा वो आए संगत आए जब संगत आने लगी मैं अंकल आप जा रही आंटी अभी मेरी आवाज़ नीची होगी तो फिर डर गया बूट कितों देता वो इतना जो आप इधर आ जाओ काके लुके वो आंटी आई। हाँ अंकल आज वो आपके लिए लंगर के लिए बैठे हुए आप मल्होत्रा अंकल आएंगे सब हम चार जन पांच छह जन खाएंगे आप नाम तो चल गया था ना थोड़ा थोड़ा मल्होत्रा हो गया था चलते भाई कोई और कोई है आगा मैं पॉइंट पा रहा हूँ कहें आंटी आ सकता वो कहता आंटी कोई जो है गया ना वो आओ नहीं अंकल कोई नहीं हम अपने अपने ये हमारे चार पाँच जोड़े हमारे अपने घर के हैं ये दो सौ दादा आप आओ हम चल कोई भी नहीं कहती नहीं अंकल क्या बात आपके होश के नहीं नहीं मैं वैसे पूछ रहा था कोई है तो नहीं कहती नहीं कह नहीं अच्छा चलो मैं आ रहा क्या तो मेरे के पास में मैं तो हर सब नहीं जानना जानना मतलब मेरे को जाएगा ये होगा। चलो मैं कह बाबा जी मैं कह बिट्टू अंदर गड़बड़ सी मैं बिट्टू रोटी खा तो नाश तो ये ना मैं गड़बड़ फंस जावा तू रोटी खा तो नाश फटाफट मन में चोरी थी अरे सत्संग तो संग होता है साफ सुथरी बात करो गुरु जी और डॉक्टर के आगे तो नहीं छपाना चाहिए कहते हैं ना भाग। मैं अपना वो रसोई चाहते तो ना मैं साबुन नाल हाली भी मेरी नजर चार तरफ सी विद्या में चौदह की नजर होगी ना मेरी नजर क्या गए तो गया कितने अद्धे घंटे अंदर खानी कर गया वो अपनी मैं रोटी खाधी वो पहली बार आंटी ने आख्या मैं लगे खा लेता आंटी जी कहते अंकल बहुत बहुत थैंक यू आंटी पहली बार आ गया मैं आंटी को भुला चुका हो गया हूँ ना क्षमा करना पहले नवा नवा ना माफ कर देना थोड़ा जा कमजोरी भी है मैं माफ कर देना। ओ नहीं अंकल आपने सेवा बड़ी अच्छी कर दी बिट्टू नाथ फटाफट नाथ फटाफट जो साइकिल से चल के दो किलोमीटर दूर आ गया गर्मी बहुत तड़की चुप थी तीन साढ़े साइकिल से आ गया आ रही
मेनू ध्यान आ गया संगत कहते हैं खुशबू आती है बाबा जी जुड़ा था वो तेरा भला वे कुत्ता कमीना ना बिट्टू वो बाबा जी आए थी हाय मैं बह गया है ओए होए होए ठीक है तो बड़ी कुपड़ हो गई है आते तो सैर करवा लेते अपना फर कहते ना अब तो आए तो सैर करवा लेते जिंदगी बच जाती तेरी। हाँ चलो देख पापा जी आए उसी राजा नाया दोवा नाया रात को काम करके आया शाम को नाया खुशबू फसकल चल रही आज कितनी बात हो के भी हाँ आ रही हो वाकई पता नहीं क्या था ये। अच्छा रात को मैं ऐसे सोचता था मैं जब आदत हाथ दस मिनट हाथ धोने की आदत बन गई बड़ा अच्छा लगता था ना बड़ी खुशबू मिठी थी। अच्छा रात को जब मैं होया रात को सोते सोते भी साथ नहीं देखना चार बजे मेरे हाथों से खुशबू उड़ गई। देखो आपसे बात बिट्टू जी कसम खा ले आज के बाद कुछ भी हो जाए अब मैं बैठूंगा चाहे संगत 10 है या 5 अब मैं 4 घंटे ऐसे खड़ा जब संगत में बैठता हूँ तो इतना वो दर्द होता तो कंका सती शंकर तो भी होता कहते बैठ जा मेरी कमर में टूट गया मतलब उठन तो टक टक बॉडी वाला होता जैसे घी खाया हुआ हो वो बाबा जी ऐसी बाकी नगर में प्यार बड़ा प्यार था फैंशा ने इतना प्यार करते हैं बाकी वो कहते पहले निचोड़ देते पहले गर्मी हम कोई भी कोई चीज लेते एग्जाम्पल तौर पर मुझे रात को एक ध्यान आया हम कोई भी चीज वो एग्जाम्पल जो पे अब ये जिसपे सतीश अंकल आप आए थे मेरे कहते ये दीवानी था ना जिस कमरे में दीवान में बैठा ये मकान मालिक करो क्या मकान मालिक क्या वो कहते जब तक नहीं होते की ना रात को नीचे जगह नहीं होती मेरे की डबल बेड है आपसे मालूम है यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे ये दीवान नीचे आलोक ने ऊपर दे दिया जिसके ऊपर मैं बैठ के बात करता हूँ आपसे ये वापस में माता देखता था कोई भी चीज आती है तो भाई अपनी साफ करनी पड़ती है ना अब गुरु जी किसी को रखेंगे तो साफ रखेंगे ना उसको है ना कि वो हमारे को ना गंदगी साफ करते हैं हमें चुभता है। अब देखो कोई ना कोई चुंडी पाओ कोई ना कोई चुंडी लग जाती है ना अंदर ऐसे कभी हमें महसूस होता है मगर बड़े चंग का शहशाह कृपा क्योंकि हर गल ठीक है आप अपनी समझ की गल होती है किसी को कोई चाहिए किसी को चाहिए बाकी बाबा जी की कृपा बाबा जी समाज देन मगर ऐसी ना बड़ी जल्दी हो जाए हूँ मैं ठीक है मैं भी बड़े सतीश बाबा जी थोड़ा को कुछ छुपया तुझे देखा दुख होता परेशानी हुई थी मगर महसूस अजी वो ये तुम तो कोई परवाह ही नहीं आंटी और मैंने कहने बच्चे मैंने पता है मैंने पता है ना होता क्योंकि मैं बड़े जिन्हें लड्डू खाते ना उन्होंने पता होता मिठा कह जाए है ना अब कह मैं तो पता शहशाह कहवे करेगा नहीं तुम तो लापरवाह बैठे पे हो करने पे मैं भी करना पे हरकत मेरी बरकत अस्ती हो जो चंगा होगा देगा मैंने उन्होंने जैसे मोबाइल से बड़े फोन आते मैंने बाद अंकल एक बात बताओ मुझे मुझे एक आपसे पॉइंट सुनना मुझे नहीं मानता आपको गुरु जी इतना बड़े बड़े हैं सब कुछ आप कोई कर नहीं सकते फिर मैंने मैं सती शंकर को शब्द मैं क्या आंटी आपकी उम्र कितनी है मैंने उम्र नहीं पूछा मैं क्या आंटी आपका बेटा है कहते हैं नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं मैं अनमेरिड हूँ मैं सॉरी माफी चाहता हूँ कहते नहीं अंकल बताइए मैं क्या आप अपने बेटे को दो तोले के या मामे कहते मैं मामा का बेटा है मैं क्या वो दो तोले के गले में चैन डलवा सकता है ना तोले की पैसा है ना कहते हाँ बहुत तगड़ा पैसा दो तो उसके गले में देखो दो तोले की चैन है कहते नहीं मैं क्यों नहीं है बस चुप हो गई मैं बताता हूँ अच्छा बच्चे को पहना सकते क्यों नहीं पहनाते कल को इसका दुखता ही है कल को ये गेर देगा कोई गलत खात में फंसेगा कुछ होते माँ बाप के पास होता है ना मगर क्यों नहीं देते उसके लिए वही चीज़ देते जो उसके लिए सुखदाई है वो चीज़ गुरु जी अपने हमारे लिए अच्छी करते हैं जो हमारे लिए सुखदाई होती है। अब मैं बीमार हूँ मैं मुझे आइसक्रीम दे दो क्या दूध पी के आइसक्रीम अभी दे सकते हैं क्यों उसको मालूम है इसके लिए दूध पी के आइसक्रीम अभी नुकसानदायक है कुल्फी की कोई वैल्यू नहीं होती बात ऐसी इसके लिए नुकसान ना हो वो गुरु जी शहशाह कोई होता है कहता है थोड़ा आज देखो कैसे ना बच्चे ने वो कदों कौन सी फिल्म कब रिलीज करनी है तो उसी को पता है ना हमारे मामा पे तो चला बड़ा सन है समझते अच्छा वो हमारे लिए कहते थे कथा पढ़ता था कहते भीख मंगवाए क्या कट जाए राजा बना दे तेरी कल को भीख भी मंगवा लेगा मुझसे क्या कर दूंगा राजा बना दे कल उसी के ऊपर है ना अब क्या
इस तरह